हेलो, दिस इज वलीद रोफ। तो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चल रही है, फाइनल स्टेज के ऊपर अब आगे हमें अपने टॉप टू तो नजर आ गए हैं। लखनऊ और गुजरात हमें क्वालिफाई होती नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि बाकी दो टीम कौन सी होगी। आपने थंबनेल देख लिया, आपने टाइटल देख लिया वीडियो का। आज की वीडियो में बताने लगा हूं मेरी टॉप फोर टीम्स कौन सी हैं जो क्वालिफाई करने के चांस रखती है, मैं किन चार टीमों को सपोर्ट कर रहा हूं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरी पांच जो मैंने अपनी सेलेक्ट की थी आज से आईपीएल शुरू होने से पहले, जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि गुजरात, आरसीबी, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को मैंने सेलेक्ट किया था कि ये टीमें जो हैं ये मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगी प्लेऑफ में। लेकिन देखा जाए तो पंजाब के हालात बुरे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आरसीबी के भी हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, दिल्ली के पास भी चांस है, इसके अलावा बात की जाए तो सनराइजर्स के पास भी चांस है और पंजाब के पास भी 1% चांस है ही। तो देखा जाए तो पोजीशन बड़ी खतरनाक इस वक्त ग्रुप स्टेज की नजर आ रही है। प्लेऑफ के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी, हमें ये तो पता चल गया कि गुजरात और लखनऊ लगभग क्वालिफाई कर ही चुके, तीन तीन मैचेस में से एक मैचेस भी जीते तो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि राजस्थान और आरसीबी क्वालिफाई कर पाएंगे इनके साथ, क्योंकि अभी जो टॉप फोर है अगर आप ग्रुप के अंदर देखें तो गुजरात, लखनऊ सबसे टॉप पे है, गुजरात उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद आरसीबी है। अब जो आज का मैच है आरसीबी का मैच, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है सनराइजर हैदराबाद के साथ। अगर आरसीबी आज का मैच जीते तो सनराइजर का चांस मुश्किल हो जाएगा, आरसीबी का इजी हो जाएगा। फिर बचती है दिल्ली, दिल्ली का अगला मैच है फौरन बाद चेन्नई के साथ, तो अगर दिल्ली भी मैच जीत जाती है तो फिर आरसीबी को वक्त पड़ जाते हैं। और इसके बाद एक मैच है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, और अगर वो मैच भी आरसीबी जीत जाती है तो आरसीबी के स्ट्रॉन्ग चांस हो जाएंगे। तो मतलब जो मैं आपको अपनी टॉप फोर बताने जा रहा हूं यहां से, जो मुझे नजर आ रहा है, मेरी पुरानी टॉप फोर को आप माइनस कर दीजिए, अब मैं टॉप फोर आपको बता रहा हूं कि कौन सी चार टीमें जो मुझे लगता है क्वालिफाई करेंगी, वो ये टीमें हैं। गुजरात टॉप पे जाएगी, लखनऊ सेकंड नंबर पे आएगी और इसके बाद आरसीबी मुझे लग रहा है थर्ड नंबर पे आएगी, और जो चौथी टीम होगी वो मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल क्वालिफाई करेगी। हाँ जी, अभी राजस्थान रॉयल्स इस वक्त प्लेऑफ में हमें नजर आ रही है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि राजस्थान जो है ना वो अगले मैचेस अपने हार जाएगी और दिल्ली का चांस मुझे लग रहा है कि दिल्ली यहां से जंप मार के क्वालिफाई कर जाएगी। तो मेरी जो चार टीमें मैंने आपको बताई हैं वो है गुजरात, लखनऊ, आरसीबी और दिल्ली। अब देखना यह कि ये जो मैचेस चल रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं। पहली आईपीएल है जो मुझे बड़ी ही पसंद आई है, क्योंकि इसका हर मैच बहुत इसको कह सकते हैं मजे का, और हमने देखा है कि कैसे कैसे छक्के पड़ रहे हैं। शिवन मामी की बात कर लें तो भाई लगातार उस बंदे को आखिरी ओवर में 30-28 रन पड़ गया। इसी तरह से बात करें गुजरात की, तो गुजरात ने लगातार दो तीन मैचेस में फाइनल ओवर में चेस करके जितवाया, तो भाई जबरदस्त किस्म का आईपीएल हो रहा है। लिविंगस्टन की बात ना की जाए तो ज्यादती होगी, लिविंगस्टन को देखा जाए तो इतने लंबे लंबे छक्के मैंने किसी को मारते नहीं देखा। लिविंगस्टन का नाम भी सबको देखे तो 117 मीटर का छक्का उसने मारा, 112 मीटर का मारा, 105 मीटर का मारा, मतलब कितने लंबे लंबे छक्के मारे हैं। इसके अलावा एक नया लड़का एबी डिविलियर्स जूनियर डेविड ब्रेवल्स, उसने भी 112 मीटर का छक्का मारा, तो मतलब कि हर किस्म से आईपीएल ऊपर जा रही है। उसके बाद बात कीजिए जोस बटलर की, जो खतरनाक किस्म की फॉर्म के अंदर आए, उन्होंने भी 3 सेंचुरियां मार दी हुई हैं, तो वो भी बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अपनी फॉर्म के अंदर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उमरान मलिक हो गया, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं इस आईपीएल के जो कहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं, हालांकि पिछली आईपीएल में भी था लेकिन इंजर्ड हो गया था, लेकिन इस आईपीएल में लगातार खेल रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इंप्रूव कर रही है। अब देखें आगे फ्यूचर क्या कहता है, किस टीम से इंडिया की तरफ से खेलेंगे भी कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। कोलकाता की तरफ से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं, कोलकाता ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है, हालांकि इनको स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन श्रेयस अय्यर वो अच्छी कैप्टनसी दिखा नहीं पाई, टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाई ये लोग अपना। एडन फिंच जब से है उसके पास से टीम का जो कह सकते हैं बुरा हाल ही होके रह गया, उनको ओपनर खिलाने के चक्कर में इनका अपना कॉम्बिनेशन खराब होके रह गया, वरना देखा जाए तो ये अच्छी टीम थी, लग रही थी ये क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है, टॉप से नीचे गए हैं ये लोग। उसके साथ साथ मुंबई का तो बेड़ा गर्क हो गया, चेन्नई भी जिसको कह सकते हैं हम तो डूबे हैं, सनम तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, बाकी टीमों को डरना चाहिए जो चेन्नई के साथ मैच खेलेंगी और मुंबई के साथ मैच खेलेंगी, क्योंकि कल भी मुंबई जीत गया था तो मुंबई छोड़ने वाला नहीं है। बाकी पीछे बचे मैचेस मैंने आपको बता दिए, मैं तो भाई चाहता हूं आरसीबी क्वालिफाई करे, मैंने अपनी पंजाब किंग्स की कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ आरसीबी की। अगर मैं पंजाब किंग्स को भी सपोर्ट करता तो इनका आपस में एक मैच था, अगर ये मैं उस मैच में जो भी जीतता तो उसने दूसरी टीम को तंग करना था, तो अभी
आरसीबी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, इस वजह से मैं आरसीबी के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि आरसीबी क्वालिफाई करे और फाइनल में जाए और फाइनल जीते, क्योंकि ग्रीन डे इनका आगे, इन्होंने ग्रीन कपड़े पहन के मैचेस खेलने, तो पूरी उम्मीद है आज का मैच आरसीबी जीतेगी। 250 रन से स्कोर करेंगे आज के मैच में, विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, पूरी पूरी उम्मीद है। लेट्स सी होता क्या है। मैंने अपनी चार टीम आपको बता दी है, अब आपने बताना है कि आपकी कौन सी चार टीमें जो क्वालिफाई करेंगी। मैं फिर बताता चाहूं, मेरी टीम है गुजरात, लखनऊ, आरसीबी एंड दिल्ली कैपिटल। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो पड़ा जिसे कह सकते हैं गेम बाकी है मेरे दोस्त।